अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा नाज़ है और मेरी एज 27 इयर्स ओल्ड है। मेरी डिसेबिलिटी जो है वो बाय एक्सीडेंटल है। मेरा 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ, मेजर एक्सीडेंट, जिसमें मेरी दोनों लेग्स जो हैं वो अबव नी एम्पोटेशन हुई है, जिसके नतीजे में मैं जो व्हीलचेयर पर हूँ। और मैं बताती चलूँ कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरा एक बेटा है माशाल्लाह से जो कि अभी 7 साल के हैं। और इसके अलावा जो मैं जो हूँ अभी मास्टर्स कर रही हूँ इन मास कम्युनिकेशन के अंदर। और इससे पहले जो है मैं सिंध पुलिस में एज अ कांस्टेबल जॉब करती रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जो है वो सिंध पुलिस का एक पार्ट हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है। और जो है इसके अलावा मैं जो है एक इदारा है डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन ILC, जहाँ पर मैं आती हूँ डेली रूटीन में अपने काम करती हूँ। और इसके अलावा जो है एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ। और दूसरी जो है यहाँ पर जो लोग हैं जो व्हील चेयर्स पर हैं, जो लोग जिनके साथ डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको देख देख कर हिम्मत और हौसला बढ़ता है और हर रोज़ जो है वो एक नए दिन का आगाज़ होता है और हर रोज़ एक नई उम्मीद होती है कि आज हमने ये काम करना है। अच्छा, मैं बताऊं आपको कि मैं जो है वो अभी 27 इयर्स ओल्ड क्यों, मेरा एक्सीडेंट 2 साल पहले हुआ, लेकिन इससे पहले जो 25 साल जो ज़िंदगी के गुजारे हैं वो मैंने अपनी टांगों के साथ गुजारे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो 25 साल मैंने अपनी ज़िंदगी की हर एक ख्वाहिश को पूरा किया है। यानी कि मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो लोग भी होते हैं जिनकी डिसेबिलिटी बाय बर्थ होती हैं, जिन्होंने दुनिया को नहीं देखा होता, जिन्होंने स्कूल लाइफ नहीं देखी होती, कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ कुछ भी नहीं देखा होता। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरा कभी भी अल्लाह ताला से शिकवा नहीं रहा, क्योंकि मैंने जो ज़िंदगी के 25 साल गुजारे हैं वो बहुत बेहतरीन है। यानी कि मैं बचपन से ही जो है बहुत ज़्यादा मतलब शार्प भी थी और नोटी सी भी थी। और जो है मेरा शौक़ था बचपन से, जब भी मैं किसी वर्दी में किसी को यूनिफॉर्म में देखती थी तो मेरा शौक होता था। और जिस तरह से बच्चे भाग कर हैंडशेक करते हैं पुलिस मैंस को और यूनिफॉर्म मैंस को, तो मेरा ये शौक होता था। और मैं जहाँ भी देखती थी फ़ौरन भाग कर जाती थी, हाथ मिलाती थी और पूछती थी कि हम कैसे ये हमें यूनिफॉर्म कैसे मिल सकता है। तो मेरी अम्मी बाबा सब यही कहते थे आप थोड़ी सी बड़ी हो जाएं, पढ़ लिख लेंगी तो आपको भी यूनिफॉर्म मिल जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यूनिफॉर्म मिला, मैंने अपनी ज़िंदगी के हर एक ख्वाहिश को पूरा किया है। और स्कूल लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी लाइफ होती है, यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो एक स्कूल की लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है। तो स्कूल के फ्रेंड्स हर चीज़ बहुत अच्छा सर्कल है। इसके अलावा जो है कॉलेज लाइफ भी बहुत अच्छी थी। इसके बाद जो है मेरी मैंने जो है एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब मेरे ख्वाब मतलब मुझे पूरे होते हुए नज़र आए, तो मैं सिंध पुलिस का पार्ट बनी, मुझे यूनिफॉर्म मिला। और 2018 में जब फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म पहना तो वो ऐसा था जैसे कि मतलब ईद का दिन हो, मतलब जो इतनी सारी ईदें मैंने गुजारी थी वो उस दिन के बराबर नहीं आ सकती थी। बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था। और मेरे अलावा मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स सब बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेरे ख्वाब तो पूरे हो रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं। तो मैंने सिंध पुलिस में 3 इयर्स तक सर्विस दी है। और उसके बाद जो है मैं अपने घर से ड्यूटी पॉइंट पर जा रही थी, तकरीबन 1:30 से 2:15 बजे का टाइम होगा, तो मेरा माड़ीपुर रोड पर एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। बाइक और वाटर टैंकर का कोलैब हुआ। वाटर टैंकर जो है वो मेरी टांगों के ऊपर से गुजरा और दोनों टांगें जो हैं वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुई हैं। और जिसके नतीजे में मतलब ट्रीटमेंट चलता रहा, 3 to 4 month ट्रीटमेंट चला, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि आपकी टांगें जो हैं वो नहीं बच सकेंगी। तो जिसके नतीजे में मेरी दोनों टांगें जो हैं वो अबव नी एम्पुटेशन हुई है। अच्छा, मैं यही कहूँगी कि मतलब ज़िंदगी के जो पहले 25 साल थे वो उसमें किसी की फ़िक्र नहीं थी, वो बिल्कुल मतलब केयरलेस थे। अब जो ये 2 सालों में मैंने टाइम पीरियड जो मेरा रहा है, जो चीज़ें मैंने अभी देखी हैं, जो क्राइसिस मैंने अभी देखे हैं, जो लोगों के रवैये मैंने अभी देखे हैं, वो शायद इन 25 सालों में देखे। और जो चीज़ें मैंने 2 सालों में सीखी हैं वो ज़िंदगी के पहले 25 सालों में नहीं सीखी। यानी कि होता था जब भी किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को देखते थे, यकीनन हमें दुख होता है, हम देखकर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को भी बनाया है, ज़रूर कोई ना कोई मकसद होगा। लेकिन
वो फीलिंग्स नहीं थी, वो एहसास नहीं था कि ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनके साथ कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कितने क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, वो लोगों को किस तरह से फेस कर रहे हैं, और यहाँ तक कि वो अपनी फैमिलीज़ को किस तरह से फेस कर रहे होते हैं, किस तरह से अग्री करते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, ये सब चीज़ों का जो है वो अभी इन 2 सालों में पता चला है। और मतलब कि इतना कुछ सीखने को मिला है, मैं बता नहीं सकती, अल्फाज नहीं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें ज़िंदगी का एक सेकंड का, एक लम्हे का नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में दूसरा सेकंड कैसा आने वाला है। तो मैं अपना बताऊँ कि मैं जब घर से निकली थी तो बिल्कुल फ्रेश माइंड, मुझे नहीं पता था कि एक ही सेकंड में मेरे साथ क्या होगा। मतलब मैं डेली रूटीन को अपने माइंड में रख कर निकली थी, और जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ, तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि हर इंसान से कि हमें एक सेकंड का भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम दुनिया की खुशियों में, दुनिया की रंगीनियों में लगे रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि आखिरत क्या है, हम भूल जाते हैं कि हमदर्दी क्या है, हमें इंसानों का नहीं पता होता किस तरह से किसके साथ रहना है। अच्छा, इसी बात पर मुझे एक शेर याद आता है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। तो अब जो मतलब मैं ये पहले ये बताऊँ कि 2 साल जो, 1.5 से 2 साल जो मैंने घर में गुजारे हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर थे। मैं बेड पर थी और मतलब व्हीलचेयर को देखना पसंद नहीं करती थी, कि मैं इस व्हीलचेयर पर, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी व्हीलचेयर को। लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं मतलब लाइफ की तरफ आई। सबसे पहले जो है वो घर से, फैमिली से, मुझे मेरी जो स्ट्रेंथ, मैं कहती हूँ बार बार कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरा बेटा है। जब मैं उनको देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं एक कदम आगे बढ़ाऊँ, ज़िंदगी में आगे निकल जाऊँ। तो उनको देखकर बहुत हिम्मत पैदा होती है। और फिर जब मैंने फ़ैसला किया कि अपने ख्वाबों को टूटने नहीं दूंगी, किसी भी तरीके से आगे बढ़ूंगी, तो मैं अब बताऊं कि मैंने जो है पहले ग्रेजुएशन कर लिया था, अब मैं मास्टर्स कर रही हूं इन मास कम्युनिकेशन के अंदर, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और लकीनेस है मेरी कि मैं जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी होने के साथ साथ अपनी एजुकेशन को जो है मैंने वो कायम रखा हुआ है, कंटिन्यू किया हुआ है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा जो है हमेशा प्राउड मुझे होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदगी के किसी भी शोबे में पीछे नहीं हूँ। इसके अलावा सिंध पुलिस की जो सर्विसेज हैं, मैं अपनी तरफ से चाहती हूँ कि उनको भी जारी और सारी रखूँ। और इसके अलावा अब जो मेरा एम होता है वो ये होता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जो हमारे अपने जैसे लोग हैं, मैं उनके लिए काम करूँ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो अपने घरों के अंदर हैं, जिनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, लाइक मी, यानी मुझे पहले नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। तो मैंने तो दिन रात जो है एफ़र्ट्स की हैं, नेट पर सर्च किया है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या कर सकते हैं, कहाँ जाते हैं। मैं चाहती थी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पर मेरे जैसे लोग हों, जिनके साथ मैं रहूँ, बैठूँ, मिलूँ, उनसे चीज़ें सीखूँ कि ज़िंदगी को आप कैसे गुजारना है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ अपने घरों के अंदर हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके साथ किसी भी किस्म की कोई भी डिसेबिलिटी है, तो वो घर में ना रहें, वो अपनी एजुकेशन लें। इसके अलावा जो है अपने जैसे लोगों से मिलते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका समझ में आता है। और अब तो मतलब मैं ये समझती हूँ कि व्हीलचेयर जो है वो एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है, जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं करती थी। लेकिन अभी यहाँ DWA ILC में आने के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि व्हीलचेयर जो है वो डिफरेंट लाइफस्टाइल है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर रहे हैं, रोज़मर्रा के जो चीज़ें हैं, रूटीन है, पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें जो हम खुद कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अलग ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। शुक्रिया।